एसीएस के आने का विभाग को इंतजार है। नए एसीएस के आदेश के बाद ही पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। बता दें कि नए एसीएस के आदेश के बाद ही पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। रश्मीश हमारे साथ जुड़े हैं। रश्मीश, के पाठक छुट्टी पर है और ऐसे में पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या लटकती हुई नजर आ रही शिक्षकों की? देखिए राहुल, के पाठक के नहीं रहने का असर जो है खासतौर से शिक्षा व्यवस्था पर दिखने लगा है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी असर पड़ रहा है। तो अब जो कागजी कार्रवाई है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है धीमी हो गई है। 15 जनवरी से ही जो दूसरे फेज में जो बहाल नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी स्कूलों में पोस्टिंग होनी थी, यानी स्कूलों का आवंटन होना था रैंडमाइजेशन के जरिए, लेकिन 2 दिनों बाद भी एक तरह से जो रैंडमाइजेशन प्रक्रिया, तो क्या सच में बीपीएससी टीआरई 1.0 एंड 2.0 पे विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण कार्यक्रम पे इफेक्ट पड़ने लगा है? क्या दोस्तों के पाठक के जाने के बाद अब जो टीआरई 2.0 या 1.0 के स्टूडेंट हैं उनकी जो पोस्टिंग प्रक्रियाएँ लटक चुकी है? तो ये सारे खबरें जो अभी आ रही है तो इस पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। कब तक आपके फाइनल विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे और इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होंगे और साथ ही क्या के पाठक अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो प्रक्रियाएं आपके कब तक बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, आइए मैं सारा कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं पूरा आपको क्लिप इस वीडियो के माध्यम से तो शेयर करूंगा ही और साथ ही मैं आपको सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 एंड 2.0 विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण कार्यक्रम और साथ ही स्कूल अलॉटमेंट लेटर को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रियाएँ लटकी, के पाठक के नहीं रहने से नहीं हो सकी है पोस्टिंग। 15 जनवरी से ही सॉफ्टवेयर के जरिए होनी थी पोस्टिंग, रेंडमाइजेशन से किया जाना था स्कूल आवंटन। के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का दिया था। अब नए एसीएस के आने का विभाग को है इंतजार। नए एसीएस के आदेश के बाद ही नए सिरे से शुरू किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नए सिरे से शुरू हो सकेगी पोस्टिंग। तथर्थ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इंतजार में है नवनियुक्त शिक्षक। नए एसीएस का हो चुका है नाम तय, 2 दिनों में पोस्टिंग की तैयारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिनों में पोस्टिंग की तैयारी तो यहाँ पे दोस्तों लिखा गया, लेकिन फाइनली आपके पोस्टिंग कब तक होंगे आइए मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा और साथ ही मैं बताऊंगा कि अब आगे क्या होने वाला है, न्यू डेट कब तक आपके ज्वाइनिंग के रहेंगे। तो मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि के पाठक अपने छुट्टी को बढ़ा चुके हैं, लेकिन जो माननीय शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के द्वारा उनको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है के पाठक लौट भी सकते हैं, बट रेयर केस में बहुत कम चांसेस हैं लौटने के। ऐसे में न्यू एसीएस की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। जैसे ही वो अपने पद ग्रहण करेंगे, पद ग्रहण करने के बाद फिर से जो सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन के जरिए जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस था या आपके स्कूल आवंटन होने वाले थे और साथ ही विद्यालय पदस्थापन पत्र का कार्यक्रम होने वाला था, ये कहीं ना कहीं देखिए अब स्लो होने वाला है। तो देखिए, आपका होगा जरूर, ये आप लोग शेयर रखिए, लेकिन ये जो है प्रोसेस आपके बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। ऐसे में मैं अगर आपको डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और साथ ही मैं आपके लास्ट वीडियो के लास्ट में क्लिप भी डाल दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे बताया गया था कि 15 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में ही आपके स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएंगे और साथ ही 21 से आपके पोस्टिंग किए जाने वाले थे। ऐसे में अभी तक 15 जनवरी से लेके अभी तक आपके जो है वो फाइनली स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट भी नहीं जारी किए गए। तो अब आगे के आपके क्या प्रोसेस होने वाले हैं, ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए विभागीय द्वारा बताया जा रहा है कि दो दिनों के अंदर न्यू एसीएस की पोस्टिंग की जाएगी। अभी देखिए जो एसीएस के पोस्ट पे प्रभार हैं उनकी यहाँ पे जो है फाइनली वो रेंडमाइजेशन का प्रक्रिया या सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कूल अलॉटमेंट नहीं इजाज़त दे सकती है, क्योंकि फाइनली ऑथराइज्ड उनको नहीं है, उनको सिर्फ पदभार दिया गया है। तो न्यू एसीएस की उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक आने की या कल हो सकता है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो फिर से प्रक्रियाएँ को जारी रखा जाएगा और 5 दिनों के अंदर फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगर बात करूं फाइनली, अगर मान लेते हैं कि 20 को भी अगर ज्वाइन करती है
ठीक है, 20 को भी न्यू ACS ज्वाइन करते हैं, तो 20 से लेके 25 के बीच, 20 से लेके 25 के बीच न्यू सॉफ्टवेयर के जरिए फिर से उनको रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो 25 तक फाइनली आपका यहाँ पे रेंडमाइजेशन के थ्रू स्कूल अलाटमेंट लिस्ट जारी होंगे, और इसके साथ ही फाइनली जो है आपके लास्ट में क्या होंगे कि लास्ट में आपके फिर से विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं सब मिला के अगर यहाँ पे न्यू डेट की बात करूँ तो आपके उम्मीद है कि 25 जनवरी के बाद, जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी के बाद आप लोगों को विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही के पाठक के यहाँ से छुट्टी लेने के पीछे का रीज़न यही था, और मैंने आपको उसी टाइम बताया कि आपके विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण कार्यक्रम में डिले हो सकता है। तो उस टाइम आप सभी का कमेंट आने लगा कि नहीं, 15 से 20 तक डेट दिया गया, आपको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे करके बहुत सारे कमेंटेड आने शुरू हो गए थे, तो इस बेसिस पे मैंने आपके बीच पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रखा। तो ऐसे में आप लोग अभी देख सकते हैं कि विभागीय के द्वारा जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि न्यू ACS की ACS की ज्वाइनिंग जो है 20 तक होने की संभावनाएं हैं, इसके बाद ही आपके आगे का कुछ प्रोसेस किया जाएगा। तो 20 के बाद अगर मिनिमम किया जाएगा, कितना भी अगर फास्ट क्यों ना किया जाए, तो आपको मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे ही, ठीक है। तो 10 दिन लगेंगे ही, तो क्योंकि देखिए स्टार्ट जब हो जाते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाता है। तो आप लोग हो सकता है 25 से स्टार्ट हो जाए, तो डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो कुछ इस बेसिस पे इसके प्रक्रियाएँ जारी रहती है। तो इस बेसिस पे मैं अगर आपसे बात करूँ तो कहीं ना कहीं 30 तक आप लोग मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, और ऐसे में जुड़ी कुछ और विभागीय अपडेट आती है तो मैं आपके बीच ज़रूर करूँगा, और साथ ही मैं आपके बीच एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप लोग क्लिप को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो इसके साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि जैसे ही न्यू ACS की बहाली होती है, ज्वाइन होती है, तो मैं आपके बीच अपडेट कर सकूं और आपके विद्यालय पदस्थापन पत्र कार्यक्रम की प्रक्रियाएं हैं जो स्टार्ट हो सके। तो चलिए मैं चलता हूँ। पंचायतन से स्कूलों में इनकी पोस्टिंग किया जाना था। के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का आदेश दिया था। अब नए ACS के आने का विभाग को इंतजार है। नए ACS के आदेश के बाद ही पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। बता दें कि नए ACS के आदेश के बाद ही पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। रश्मिश हमारे साथ जुड़े हैं। रश्मिश, के पाठक छुट्टी पर है और ऐसे में पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या लटकती हुई नजर आ रही शिक्षकों की? देखिए राहुल, के पाठक के नहीं रहने का असर जो है खासतौर से अब शिक्षा व्यवस्था पर दिखने लगा है, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी असर पड़ रहा है। तो अब जो कागजी कार्रवाई है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है धीमी हो गई है। 15 जनवरी से ही जो दूसरे फेज में जो बहाल नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी स्कूलों में पोस्टिंग होनी थी, यानी स्कूलों का आवंटन होना था रेंडमाइजेशन के जरिए, लेकिन 2 दिनों बाद भी एक तरह से जो रेंडमाइजेशन प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकी है। और शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी है उन्होंने इशारों में बता दिया है कि अब नए ACS आएंगे उनके आदेश के बाद ही जो है पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल मिलाकर ये कहें कि इंतजार में है जो 96,000 जो नवनियुक्त टीचर है कि उनकी जल्दी पोस्टिंग हो, लेकिन जिला आवंटन के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया लटक गई है, और कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर सरकार के स्तर से जो नए ACS है उनका नाम तय कर लिया गया है, और जैसे ही उनकी पोस्टिंग होगी उसके बाद जो है ये रेंडमाइजेशन प्रक्रिया यानी स्कूल में पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होगी। राहुल, चलिए शुक्रिया रश्मिश अपडेट के लिए आपका।